Hey everyone, welcome back to our channel. कैसे हो आप सब? I hope you all are doing great. So आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ एयरकिट टेक के नेल एक्सटेंशन जेल किट के बारे में. आजकल सबको बहुत पसंद है और हम सैलून में इतने पैसे खर्च कर देते हैं मंथली. मोस्टली 15 टू 20 डेज में आपका नेल्स रीग्रोथ हो जाता है, देन फिर से आपको सैलून जाना पड़ता है उसके लिए. सो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि मैं घर पे कैसे नेल एक्सटेंशन करती हूँ, क्योंकि मेरे पास हमेशा टाइम नहीं होता है कि मैं बार बार सैलून जाऊँ और रिफिल करवाऊँ. एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है जिससे मैं घर पे इजिली नेल एक्सटेंशन कर सकती हूँ, ये है वो ब्रांड एयरकिटेक. अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करती हूँ तो आई एम सॉरी. इसका पूरा किट आता है आपको, जो कि आप घर पे इजीली आप नेल एक्सटेंशन कर सकते हो. बहुत ही प्यारा पैकेजिंग मुझे रिसीव हुआ. आपको ए टू जेड आपको इसके अंदर में प्रोवाइड किया जाता है. आपको सैलून जाके बहुत सारे पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है. आप भी अपने घर पे इजीली आप नेल एक्सटेंशन कर सकते हो. तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाने वाली हूँ और सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल मैं आपको शेयर करने वाली हूँ वीडियो में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मुझे 6 पॉरी नेल जेल रिसीव हुआ है एंड मैं इस सभी के स्वाचेस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ. इसमें जो फर्स्ट कलर है वो है नेचुरल पिंक एंड द सेकेंड वन इज डायमंड ब्लैक. थोड़ा सा शिमरी है एंड बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही प्यारा कलर है ये. एंड द थर्ड वन इज स्किन टोन नेचुरल कलर है ये, नेचुरल लाइट पिंक आप बोल सकते हो. बहुत ही प्यारा कलर है ये भी. एंड द फोर्थ वन इज डायमंड गोल्ड. ये एक गोल्ड में शिमरी थोड़ा सा इफेक्ट आता है, लाइक उस जैसा है. The fifth one is diamond silver. ये भी एक सिल्वर में आपको शिमरी इफेक्ट दिया है इसमें भी. एंड द लास्ट वन इज क्लियर जेल, लाइक ए ट्रांसपेरेंट कलर है एंड इसके आप ऊपर कुछ भी आप नेल जेल या कुछ भी अप्लाई कर सकते हो. सो इस किट के साथ में मुझे इस तरह का स्पैचुला रिसीव हुआ है. इससे मैं अपने क्यूटिकल एरिया को पुश कर लूँगी. सो यहाँ पे मैं नेल फाइल के हेल्प से मैं सारी नेल्स को मैं बफ कर लूँगी अच्छे तरीके से. एंड बफिंग करने के बाद में आपके नेल्स का जो भी डस्ट है आप उसे किसी भी ब्रश के हेल्प से आप डस्ट आउट कर सकते हो. एंड मैं यहाँ पे एक नेल रिमूवर ले रही हूँ जिससे मैं क्लीन कर रही हूँ अपने नेल्स को. एंड देन मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे बेस कोट. इस किट के साथ में मुझे यूवी एलईडी लैम्प विद डाटा केबल रिसीव हुआ है. सो इसे मैं अब यूवी एलईडी लैम्प की हेल्प से 1 to 2 मिनट्स क्योर कर लूंगी. एंड इसी तरह हमें अपने सारे फिंगर में बेस कोट को अप्लाई करना है एंड यूवी लैम्प की हेल्प से इसे क्योर कर लेना है. एंड क्योर करने के बाद कुछ इस तरह सा दिखेगा आपको. यहाँ पे मुझे इस किट के साथ में 120 पीसेस का नेल ड्यूल फॉर्म रिसीव हुआ है. इसमें आप अपने नेल्स के अकॉर्डिंग अपने साइज सेलेक्ट कर सकते हो. फर्स्ट आपको अपने सारे नेल्स के अकॉर्डिंग साइजेस सेलेक्ट कर लेना है एंड साइड में रख देना है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको मार्किंग दिया गया है. ये बताता है कि आप कितने लेंथ तक आप अपने नेल्स रखना चाहते हो, उस अकॉर्डिंग आप अपने लेंथ को भी सेलेक्ट कर सकते हो. सो यहाँ पे मैं 2 कलर्स को सेलेक्ट कर रही हूँ. फर्स्ट है स्किन टोन एंड द सेकेंड वन इज डायमंड सिल्वर. सो यहाँ पे मैं नेल ड्यूल फॉर्म को पॉलीजेल को इस तरह से ले लूंगी. देन मैंने आपको बताया था कि एक साइड में इस तरह का स्पैचुला रिसीव होता है एंड दूसरे साइड में इस तरह का ब्रश रिसीव होता है.
एंड ये है एक स्लिप सॉल्यूशन जिससे हम अपने जेल को शेप देंगे। यहाँ पे मैं अपने ब्रश को डिप कर लूंगी स्लिप सॉल्यूशन में एंड ये लिक्विड हेल्प करता है आपके पॉली जेल को शेप करने में। यहाँ पे मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ जो मैं बहुत ही अच्छे से कर लूँ, मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, आप देख सकते हो। इसे मैं अपने नेचुरल नेल के ऊपर रख के प्रेस करके होल्ड कर लूंगी एंड एक्स्ट्रा जो भी आ रहा है मैं अपने ब्रश के हेल्प से उसे क्लीन कर लूंगी कि हम जब इसे क्योर करें तो हमारा एक्स्ट्रा जेल जो है वो बाहर ना रहे, इसीलिए हमें प्रॉपरली क्लीन कर देना चाहिए। और यहाँ पे आपको यूवी लैम्प में 1 to 2 minutes के लिए क्योर कर लेना है अपने नेल्स को एंड उसके बाद आपके ड्यूअल फॉर्म को लाइटली ट्विस्ट करके रिमूव कर देना है। सो जैसा कि आपको पता है कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो लेंथ थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो गया और मुझे इतना ज़्यादा लेंथ नहीं पसंद, तो मैं फ्रंट से कट कर लूँगी एंड नेल फाइल की हेल्प से मैं इसे शेप दे दूँगी। सो इसी तरह सेम प्रोसीजर से मैंने अपने सारे नेल्स कर लिए हैं। मैंने एक फिंगर में थोड़ा डिफरेंट रखने का सोचा एंड यहाँ पे मैं सारे नेल्स को शेप दे दूंगी फिर से। जो भी डस्ट है आपको एक ब्रश के हेल्प से अगेन आपको क्लीन कर लेना है। एंड लास्ट जो स्टेप है हमारा वो है टॉप कोट, इसे भी हमें सारे फिंगर्स में अप्लाई कर लेना है एंड यूवी एलईडी लैम्प की हेल्प से इसे भी हमें 1 to 2 minutes क्योर कर लेना है। सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माई नेल्स। आप देख सकते हो कि मैंने घर पे किया है और बहुत ही प्यारी नेल एक्सटेंशन है। एंड आप इजीली घर पे कर सकते हो। सो प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप एओकेटेक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, आपको 25% ऑफ मिलेगा। मेरा कूपन कोड है EOKIFAM24। एओकेटेक के बहुत ही अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स आते हैं, आप वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो और मेरा कूपन कोड बिल्कुल मत भूलना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज करिश्मा स्ट्रीम। सो बाय बाय, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।